अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसरार खान तनोली अपने गांव से हाजिर। बहुत ही बेहतरीन व्यू था, मैं सोचा यहां पर वीडियो बना लूं। नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम लिखी थी ना, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, तो उसने बिल्कुल सही लिखी थी कि जिसने सब्ज दरख्तों के नीचे रहना है वो चला है। तो ऐसी कोई खुशकिस्मत तो नहीं होगी जो यहाँ सब्ज दरख्तों के नीचे आ जाए। बहरहाल गांव की लाइफ जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए कैसे खूबसूरत खूबसूरत फूल यहाँ पर जो है ना खिले हुए हैं। और जनाब ये गांव में कुदरती फूल हैं, लेकिन थोड़ा सा दिल उदास इसलिए है कि मेरे बहुत से दोस्त हैं कराची में, हैदराबाद में, सखर में, नवाबशाह लड़काना, और कोई दुबई में, कोई शारजा में, कोई कुवैत में, कोई जो है ना वहाँ पर शहर, जितने बड़े शहर हैं उनमें जो है ना पाबंद सलासल हैं, समझ लें घर पे और घरों में कैद हैं। तो अल्लाह करे कि ये वायरस की मुसीबत हट जाए और वो लोग भी इंजॉय करने के लिए ऐसे गांव में आए। तो वो मेरे साथ इस तरह खूब इंजॉय करें। बात ये दो तीन दिन के लिए टूर करना वो कोई ख़ास नहीं होते, आप जब भी आए आठ दस दिन के लिए आए, इस तरह वीरान जंगलों में घूमें फिरें, कहीं भी जाएं, एक जगह स्टे करें, दो दिन जगह जगह पे स्टे करें, ताकि जो ना आप उस इलाके को खूब इंजॉय करें। अब आते हैं आप लोग, इसरार भाई पाँच दिन में जो है ना चाइना बॉर्डर से घुमा के ले आओ। अब इस तरह तो नहीं होता है कि भाई बागम बाग गाड़ी में ही जो है ना सफ़र ही सफ़र होता है और कुछ भी नहीं होता है। अब चाइना बॉर्डर इतना करीब तो नहीं है, तो इस्लामाबाद से निकलो तो सीधे जो है ना चाइना बॉर्डर, तो उससे बेहतर है कि आप 10-12 दिन 15 दिन का टूर करते हैं विद फैमिली, तो वो सही रहता है। आप ना खाएं ना, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि इतना ख़र्चा अगर नहीं होता है, आप ना जो है ना ट्राउट फिशिंग खाएं और मुर्गे मसलम और कढ़ाइयाँ और ये चीज़ें ना खाएं ना यार, आप थोड़ा ख़र्चा कम करें अपना वो बजट भी कम करें खाने पीने का। और होटल तो वैसे ही मैं आपको सस्ते लेके देता रहता हूँ, होटल जो है ना जो अगर जो है ना 10,000 और 15,000 वाले कमरे ना लेना भाई, आप 5-6 वाले ले लें, वही चीज़ है, वही सब कुछ खिदमत भी करते हो। जो होटल जिसको मैं लेके जाता हूँ जिन होटलों में, तो वहाँ कोई शिकायत आती है तो उनसे मैं जो ना लड़ के भी उनसे मैं उनको बोल सकता हूँ कि भाई ये काम इस तरह हो, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी ये हालांकि ये मेरे साथ है कि रिसेंटली वजी भाई ने मेरे साथ, वजाहत नसीम खान पूरा नाम है, वजी में उसको हम लोग बोलते हैं, उसने मेरे साथ अभी स्वात का टूर किया है। बहुत से लोग आपसे जो ना अभी ऑस्ट्रेलिया से भाई आए थे, असद भट आए थे, तो उन्होंने भी मेरे साथ शुगरान का टूर किया है। उससे पहले मेरे साथ आए थे शाहपुर सांगड़ के अपने तो नाम ही भूल गया हूँ, आबाद भाई। तो ये जो ना होटल उनको मैं 1500-2000 इससे ऊपर तो लेके मैंने कभी नहीं दिया होटल, और जो आ रहा है उनका फर्स्ट क्लास हुआ, बेहतरीन कमरे हैं, साफ़ सुथरे कमरे हैं। बस आप लोग ये होटलों का खर्चा है ये मैं कम करवा दूंगा, खाने पीने का आप कम करें, जो बच जाए ठीक है, बजट में पूरे में आप एक बजट बना के आ जाएं, जो ज़्यादा पैसे वापस बने तो वापसी में देखो भाई पैसे बच गए तो फिर मनाल पे उसकी कसर निकालेंगे ना, फिक्र ना करें, फिर मनाल में इस्लामाबाद लेके जाऊंगा वहाँ पर कसर निकालें ना, वहाँ खाएं आप जो कुछ खाना है। तो रास्ते में वैसे भी कम खाना चाहिए, और कराची वाले तो वैसे भी कम ही खाते हैं, सिर्फ पंजाब वाले जो है ना मेरे साथ जो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना खाना खाते हैं। तो बहरहाल ये कि ये थोड़ा बजट कंट्रोल में ना, मैं कहता हूँ मेरे साथ 6 बंदे शायद भाई और उसकी फैमिली गई थी, ईशान शायद भाई, ये लोग मेरे साथ, इन्होंने 6 बंदे 2 फैमिलियाँ थी टूर किया विद, उनके वालिद साहब थे, उनके सब बच्चे थे, और कराची से लेकर चाइना बॉर्डर और चाइना बॉर्डर से वापस कराची तक उनका
1,53,400 जो कि उनके पास लिखा हुआ। तो वजह ये थी कि उन्होंने ये शहाना खर्च नहीं किए, समझिए ना भाई, नॉर्मल खाना खाओ ना, और जनाब नॉर्मल होटल में रहो ना आप जो ना, और वो ही फैसिलिटीज़। अब जाहिर है अकरम भाई दुबई वाले मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अकरम भाई आप होटल में गए 14,000 रुपये किराया आपको मिलेनी वाले ने बोला, मैंने आपको वही कमरा आपको 6,000 रुपये में दिलवाया। तो ये चीज़ होती है वहाँ दूसरे होटल में, और उसी स्टैंडर्ड का सिर्फ एतबार किए करे जो बंदा आपके साथ जा रहा है। यार ये रोज़ का हमारा काम है, हमें पता है कि वही फैसिलिटी किस होटल में मिलती, लेकिन आप लोग जो ना पता नहीं, बहुत से लोग मेरे भाई समझते हैं यार ये ड्राइवर का कोई इसमें जो ना कोई इसका फ़ायदा होगा, पता नहीं क्या चक्कर है, ये क्यों है यहाँ पर बोल रहा है। ऐसी बात नहीं, मैं ये हमारा मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा जो क्लाइंट अगर एक दफ़ा आते तो 10 और को भी बोले कि हाँ जी हमने किसी के साथ टूर किया और मज़ा भी आया, और आप भी जाएँ, मज़ा ना आए तो पैसे हमसे दो। तो ये चीज़ें मैं इसलिए जो ना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, मैं ख़ुद एक ख़ानदानी आदमी हूँ, मैं कोई जो ना आम आदमी नहीं हूँ कि जो ना मैं आप लोगों के साथ जो ना चीटिंग करूँगा, दो नंबरी करूँगा, ऐसे काम मुझे ना मेरा ज़मीर इस तरह जो ना नहीं मानते हैं। मैंने कभी आज तक अल्लाह का शुक्र है हराम नहीं खाया। तो ये इन चीज़ों से जो ना कोशिश है अपनी बचत, और जो आता है हम उसको मेहमान वो यूँ समझे हमारे साथ हमारी गाड़ी में नहीं, हमारे समझो घर पे आते, और के पी के में अल्लाह के शुक्र है हमारे नवल का किसी से पूछ लें हम लोग मेहमान की कितनी इज्जत करते हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह होगी, आप अपने ये थोड़े दिन हैं बस, ये हफ्ता 10 दिन में जो ना ये वायरस वगैरह ख़त्म करेगा अल्लाह इंशाल्लाह, इस हफ्ता 10 दिन में, उसके बाद अपना प्रोग्राम बनाएं, आएँ रमज़ान में आएँ, यहाँ भी लोग रोज़ा रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आप लोग समझते हैं यहाँ रोज़ा नहीं रखते होंगे, ये यहाँ सब कुछ मिलता है और सब आते हैं और बड़े पुरसकून, और रोज़ों में तो और सस्ते होते हैं होटल, समझिए ना। तो आपको फर्स्ट क्लास यहाँ पर, जिन भाइयों की छुट्टियाँ हैं रमज़ान में वो तो पूरी फैमिली को लेके पहुँचे, क्यों आपको 28 दिन के लिए 2 कमरे एक किचन का लेके दूं, आप उसमें रहें अपने 28 दिन, 14,000 तक कमरा मिल जाएगा, 2 कमरे और एक किचन मिल जाएगा, उसमें रहें आप फर्स्ट क्लास। आप जो है ना इसी तरह अगर आप बोलेंगे कि मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूं तो मैं भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़्यादा दिन, जितने ज़्यादा दिन होते हैं मैं भी उतने ही डिस्काउंट देता हूं, कम दिन होते हैं तो खर्चा चूँकि हमारा वही आता है, तो इस वजह से हम जो है ना फिर ज़्यादा पैसे में हम लोग लेते हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आप कभी आए आपको पता चल जाएगा। बहरहाल मेरे दोस्त जितने भी हैं उनको तो मैं ये बोलूँगा भाई कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो लाइक करें और इसको शेयर भी करें, और मेरा पेज भी जो है ना फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक भी करें, और उसका अपने दोस्तों को भी बोलें कि इसको लाइक करें। दूसरा जो है ना दोनों पेज मेरा जो है ना फेसबुक वाले माउंटेन टूर ऑपरेटर और मंसरा ज़रा टूर रेंट कार, ये दोनों आपने जो है लाइक करने हैं। और मेरा यूट्यूब पे जो लोग बोलते हैं ना हम यार फेसबुक यूज़ नहीं करते, भाई उनके लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है तनोली के हम सफ़र, एक ये है तनोली के हम सफ़र और दूसरा है ट्रैवल विद तनोली, ये दोनों आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करनी है, और अपने दोस्तों को भी बोलना है कि ये इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये है कि आपको बात बता दूं, बहुत से लोग सब्सक्राइब करते हैं और वो बोलते हैं यार आपकी वीडियो हमारे पास नहीं आती, तो भाई दोबारा वीडियो तभी आती है कि आप बेल के आइकन को ऑल पे करके ओके करेंगे, समझिए, तो फिर जो है ना तमाम वीडियो आती हैं। फिर मैं जैसे ही यहाँ से वीडियो चढ़ाता हूँ मतलब कोई भी अगर यूट्यूब पे तो वह फ़ौरन आपके पास आ जाएंगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो ना उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और इसके कोई पैसे नहीं लगते, ये जो ना आप लोग पता नहीं क्या वजह है कि यार ये दिल छोटा ना रखा करें, दिल बड़ा रखा करें, समझिए ना, ये इसको जो ना मतलब अगर आपने वैसे भी आप यूट्यूब तो आजकल घर में बैठे हुए बहुत देख रहे होंगे, आप बजाय गलत चीज़ें देखने के ये इसरार खान की वीडियो देखें, इस तरह की वीडियो आपको कोई और दिखाएगा। ये जितने भी अगर हैं आप किसी भी ट्रेवल उसको देखेंगे
बड़े बड़े पेजों वाले जो अपने आप को बोल रहे हैं जी हाँ ये तस्वीरें कभी बर्फबारी और कभी किस चीज़ के, मैं आपको रियल चीज़ दिखाता हूँ। कोई बंदा आपको बोले कि यार ये देखो आजकल मौसम यहाँ बर्फ़ है, बर्फ़ बर्फ़ जहाँ नहीं भी होती वो फोटो बर्फ़ के लगा के दिखा देते, नहीं ये मैं आपको लाइव बाईस दफ़ा आता हूँ, पहले कोशिश करता हूँ वहाँ पर सर्विस फुल आ रही है तो लाइव आता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि यहाँ करंट ये पोजीशन है, और फिर उसके बाद वहाँ की वीडियो बना के मैं चढ़ाता हूँ। तो अभी आपने मेरे गांव की पोजीशन देख ली है, आज यहाँ पर बादल हैं, ये अभी फूलों का मौसम है, वो सामने भी दरख्त के साथ आप देख रहे होंगे, ये अभी बल्कि ये देख रहे होंगे ये सारे जो है इस तरह के फूल जो है खिले हुए हैं, और ये रियल टाइम पे मैं अभी इसलिए यहाँ बना रहा हूँ तो आपको इस चीज़ के ऊपर यकीन करना चाहिए। लाइव भी आया था आपने देखा होगा, बहरहाल मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा यूट्यूब पे जाकर, और यूट्यूब पे इंशाल्लाह आपको नई नई वीडियो ज़्यादा वीडियो अब मैं यूट्यूब पे चूँकि लगाता हूँ तो इसलिए यूट्यूब पे देखा करें। थैंक यू वेरी मच, इजाज़त चाहूँगा। तो अभी मैं थोड़ी सी और तस्वीरें वगैरह खींच लूँ, यहाँ पर व्यू बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, तो नारा हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद।